According to Tech UK, the IT jobs in the UK are growing 2.5 times the rate of the rest of the economy, and there is a significant skill shortage in the country in the field. And as per a KPMG report in month of May 2022, IT and computing industry posted the strongest increase in demand for permanent staff, and there is a large pool of jobs available. If you want to study IT in the UK, this is an ideal time to apply as the jobs are going to grow in the future as well. To answer your questions, we have with us today Rajiv Sangman, a data scientist working in the UK. Let us welcome him. Also, if you guys want me to make a similar video on other field, let me know which one in the comments below. So Rajiv, can you tell a little bit about yourself to our audience, please? Sort of introduction, idhar udhar ka. हाय साकेत, मैं राजीव, जैसे कि आपने बताया, मैं यूके में रहता हूँ काफ़ी टाइम से, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था स्टूडेंट वीज़ा पे, और एमबीए करने के लिए मैं आया था, और करंटली आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट विद वन ऑफ द एमएनसीज। सो और मेरा जो इंटरेस्ट की बात करें, मेरा पैशन जो है, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, आई एम इन्फ्लुएंसर एज वेल, और उसके साथ साथ जस्ट प्लेइंग अराउंड विद डेटा और कोडिंग, ये मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। राइट राजीव, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, सो यू नो विल कीप इट वेरी क्विक। बेसिकली मेरे को जो आपसे मेजर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स अबाउट द आईटी फील्ड। सो टॉकिंग अबाउट द करंट ट्रेंड इन इंडिया, सो इस टाइम पे क्या है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग एट यू नो मास्टर्स विद प्लेसमेंट हियर, सो आई थिंक ये बहुत पिकिंग अप ट्रेंड है एक यूके में। ओके, एंड डू यू थिंक इट्स वर्थ यू नो डूइंग द प्लेसमेंट हियर, बिकॉज नॉर्मली यूके में एक साल की मास्टर्स है, अगर हम प्लेसमेंट हियर करते हैं तो वो दो साल की हो जाती है। आपको प्लेसमेंट ईयर मिलता है अपनी डिग्री के साथ, अगर आप जैसे कि आपने बोला कि भाई अगर यहाँ पे मास्टर्स करते हैं एक साल की, और अगर आप प्लेसमेंट लेते हो तो दो साल की हो जाती है, आपके पास ज्यादा टाइम हो जाता है। और उसके साथ साथ ये भी फायदा होता है कि भाई जैसे ही आप प्लेसमेंट लेते हो तो आपके पास एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आ जाता है, और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आने के बाद व्हेन यू अप्लाई फॉर द रियल जॉब्स, व्हेन यू गो आउट market means after you're completing your degree, so you have a 1 year experience from UK itself, so okay. wo 1 year ka jo experience hai na aapko help karega aapke interview, ek to interview call aane mein, theek hai, dusra kya hoga kyunki aapka CV select hone ke chances badh jayenge, aur dusra kya hoga ki bhai aapko experience already ho jayega industry ka, aur aapko pata hoga ki bhai kis tarah ke questions aapse puche jane hain wahan pe, aur it will definitely help you a lot, but baat ye aata hai ki bhai placement kya easily mil jate hain क्या उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसके लिए ये जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ हमेशा, और जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स करें कि भाई मेक श्योर यू प्लान अहेड, कि भाई जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू करी, ये नहीं कि प्लेसमेंट ईयर जब स्टार्ट होगा तब आप उसको सर्च करना शुरू करोगे, जिस दिन से आपने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू करी कोल्ड ईमेलिंग करना शुरू कर दो, कंपनीज को रीच आउट करना शुरू कर दो, कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं उनमें जाके अटेंड करो यूनिवर्सिटी के, तो जिससे कि आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, और डेफिनेटली इट विल बी वर्थ वाइल। ओके, तो अगर हम जैसे आईटी की बात करते हैं तो मतलब यू नो हर कंट्री में कुछ आईटी क्लस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं, सो वी सीन हैदराबाद एंड बैंगलोर एज आईटी क्लस्टर्स, सो यूके में भी कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पे आईटी की इंडस्ट्री ज्यादा फोकस्ड है, या यू गेट यू नो आईटी जॉब्स एवरीवेयर बेसिकली? आई थिंक यू आर राइट साकेत, कि भाई वी गॉट IT jobs everywhere, means every city got IT jobs, and आजकल क्या हो गया due to COVID कि भाई ये situation ऐसी हो गई कि भाई work from home culture is at peak, so everybody is working from home, so अगर आपकी company based है London में and you are situated in Scotland, so you can still work, अगर मैं example दूँ मेरी wife का खुद का, तो मतलब she works from home, उसकी job है वो भी home based है, and her company based in somewhere in Scotland, so it's really easy for you to find an IT job by sitting at anywhere. और लेकिन एक बात, अगर हम सिटी की बात करें, अगर जैसे कि कोई चाहता है कि भाई उसी सिटी में रहना, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंगम और एडिनबरा, ग्लासगो, दीज आर द बिग सिटीज वेयर कि भाई कंपनीज जो है बहुत ज्यादा है वहां पे, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दो दिन करना पड़ता है, तीन दिन आपको कंपनी में जाना पड़ता है, सो उन सिटीज में अगर आप जाते हो, प्रेफरेंस देते हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो है जॉब मिलने के बढ़ जाते हैं। अगर हम जॉब परस्पेक्टिव से बात करें, सो लेट्स से कि एक फ्रेशर है या एक एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसको किस तरह के जॉब रोल्स यू नो आर देयर इन द मार्केट इन आईटी एज अ सेक्टर? जो भी अगर आईटी के अंदर जॉब ढूंढ रहा है, तो अगर कोई फ्रेशर है, तो फ्रेशर के लिए अगर मैं कहूंगा किसी ने बैचलर डिग्री करी है या मास्टर्स, बैचलर डिग्री इंडिया से कंप्लीट करी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी है, और उसके बाद अगर आप जॉब मार्केट में उतरते हो, तो
एनालिस्ट काइंड ऑफ रोल, एनालिस्ट इन द सेंस कि आईटी एनालिस्ट, आईटी एडमिन से रिलेटेड रोल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट इट्स वेरी अर्ली बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. बट इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस वन, देन डेफिनेटली देयर इज अ मल्टीपल रोल्स आर अवेलेबल. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डिग्री करी है तो. और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. वास्ट अमाउंट ऑफ आईटी जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. और अगर आप देखोगे कि भाई आईटी की जॉब में जितना इंक्लाइनेशन आया है और या फिर जितनी डिमांड बढ़ी है अभी, इट्स एट द पीक राइट नाउ. सो काफी तरह की जॉब्स अवेलेबल है. जनरली जो है डेटा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, एनालिस्ट काइंड ऑफ रिलेटेड जॉब्स स्टार्टर्स के लिए होती है. राइट, अगर हम ऑब्वियसली यू नो वी टॉकिंग अबाउट जॉब्स हियर, सो आई थिंक वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज द काइंड ऑफ सैलरीज, यू नो द फाइनेंस. ओके, सो हाउ मच डू यू थिंक लेट्स से एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड बंदा कितना ऑन एवरेज अर्न कर सकता है प्री टैक्सेस? अगर हम प्री टैक्स सैलरी की बात करें, देखो अगर कोई ग्रेजुएट अभी जस्ट यूनिवर्सिटी से पास आउट करके निकला है एंड ही जस्ट कंप्लीटेड हिज डिग्री, एंड इनिशियल अगर हम जॉब बोले स्टार्टिंग जॉब एवरेज सैलरी जो है आईटी फील्ड के अंदर वो है अराउंड 27-30K. अगर हम 27,000 pounds से लेके 30,000 pounds तक, ये स्टार्टिंग सैलरी है आईटी फील्ड के अंदर. क्योंकि अगर यहाँ पे बेसिक जॉब्स की अगर बात करें तो भी 20-21 की सैलरी मिलती है तो, लेकिन फिर भी आईटी फील्ड में या एनालिस्ट फील्ड में अराउंड 30,000 pounds यू विल गेट एज अ स्टार्टिंग सैलरी. और 30,000 अगर स्टार्टिंग सैलरी है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी जो बैंड है वो भी बढ़ता रहेगा. और डिपेंड है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई किसी को अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो नेगोशिएशन हर जगह होती है, अब नेगोशिएशन यहाँ पे भी होती है, स्टार्टिंग में ही किसी की बहुत अच्छी कोडिंग स्किल्स है या बहुत अच्छी उसको आईटी की नॉलेज है किसी भी सॉफ्टवेयर की, AWS में अगर काम किया है या फिर डेटा एनालिटिक्स में कुछ किया है और उसकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और इंटरव्यू में उसने इस तरह से अपने आप को शो किया कि भाई ही नोज so much or she knows so much about their field. So usme kya hai ki negotiation power aapki haath mein aati hai and then you can probably negotiate ke, okay I will take it 35k. So it's totally depend person to person, company to company, because if it's a tier 2 company, a tier 1 company or big MNC, so it's totally depend on what sort of company it is, what sort of a professional you are and what sort of skills you are having right now with yourself. Right. So let's say you know, जैसे आपने बोले कि 27-30 is the average, right? So yeah. Indian students के लिए I think the biggest you know I would say pain point is कि because everyone is investing their hard earned money into you know education बाहर पढ़ने के लिए, and जो एक सबसे बड़ा question students के दिमाग में होता है that is you know the ROI. कितने सालों में on an average, मतलब आपके हिसाब से कि एक बच्चा you know can recover the cost of the degree plus the living cost incurred you know during that duration of the degree, let's say 1 year ke masters ki, 1 year ke living expenses spend ke, how much years it will take to recover that cost? अगर हम ROI की बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली आपको ये देखना होगा भाई आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई की थी तो हाउ मच यू इन्वेस्टेड देयर, मींस हाउ मच मनी कि भाई 15 lakh, क्योंकि कई हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है. कि कोई यूनिवर्सिटी 15 lakh में आपका वो कोर्स करवाती है, कोई 20,000 pounds, किसी का 25,000 pounds है. अगर बोरिंग जैसी यूनिवर्सिटी आपने पिक कर ली MBA करने के लिए तो 45,000 pounds है. तो इट्स डिपेंड कि भाई किस तरह से, तो उसके हिसाब से ही डिपेंड करता है कि भाई आपका ROI भी उस हिसाब से डिपेंड करेगा. अगर इफ यू स्पेंड 40,000 pounds ऑन योर स्टडीज, देन डेफिनेटली योर ROI इज मोर देन 40,000 pounds. If you spend 15,000 pounds, then it's 15,000 pounds. So, अगर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि भाई जैसे कि जो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, बेसिक सैलरी, दैट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 27,000 pounds टू एंड इट कैन गो अप हायर एज मच एज. सो अगर स्टार्टिंग सैलरी हमें मिलती है 27,000 pounds, तो डेफिनेटली कि भाई पहले साल में अगर आपकी फीस 15 lakh rupees या 20 lakh rupees आपने लगाए, आफ्टर टैक्सेस आपकी जो आती है 20-22-23 के करीब अगर आपके हाथ में आते हैं 27,000 pounds आपको मिलते हैं, तो within 1 year or 1.5 year, अगर लेकिन एक चीज हम इसको एज एन एग्जाम्पल ये लेके देखते हैं, अगर कोई मास्टर करने के लिए यहाँ पे आता है 1 साल की, उसके बाद 2 साल का PSW मिलता है, अगर वो सीरियसली होके अपनी पढ़ाई को करता है वो स्टूडेंट, देन डेफिनेटली within 2 years जो PSW के होंगे, he would able to do the ROI whatever he spent on his स्टडीज. उसके साथ साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसके पास पैसे होंगे, अगर उसको वापस जाना पड़ा, अगर कोई स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब नहीं मिली एट द एंड, इफ ही हैज टू गो बैक टू हिज कंट्री, स्टिल ही शुड हैव समथिंग इन हिज पॉकेट, उसको यूज कर सकता है वापस जाके अपनी कंट्री में. सो दिस इज व्हाट आई सी. बट
अगेन आई सेड इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सम स्टूडेंट्स totally they don't take it seriously, they take it seriously at the end of their degree and they start looking for the job and they still continue doing part time jobs happy with it, then definitely the ROI is quite difficult there. Right. Now, obviously I think wo aapka ye bhi vary karega ki aap kitni jaldi aapko job mil rahi hai, aur you know because I think kuch students delay karte hain ki dissertation karke uske baad hum jobs ke liye apply karenge, but ideally I think aapko tabhi start karna chahiye jab aapka classes wagera khatam honi shuru ho jati hai, you're kind of going towards dissertation by that time. Okay. हाँ मुझे लगता है कि अब तुरंत जैसे ही यहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसी वक्त अपनी सर्च को शुरू कर दो, क्योंकि जॉब ढूंढने में, ईमेल्स भेजने में या फिर जॉब अप्लाई करने में यू वोंट लूज एनीथिंग. दिस इज व्हाट आई माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज, अगर किसी भी इंटरव्यू पे आप जाते हो इफ यू डोंट गेट दैट स्पेसिफिक जॉब सो यू नॉट लूजिंग एनीथिंग देयर, यू आर गेनिंग समथिंग. अब पूछेंगे बहुत सारे लोग कि भैया कैसे गेन कैसे करेंगे, हम गेन ऐसे करते हो कि अगर आप किसी इंटरव्यू पे गए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, क्या पता आपने 5 के जवाब दे दिए, 5 के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आपको पता लगे कि 5 क्वेश्चंस वो नए क्वेश्चन जिनके आपको जवाब नहीं पता थे एंड यू प्रिपेयर फॉर देम. नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे फिर से आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इस बार आपने 6 के जवाब दे दिए, 4 नए क्वेश्चन थे उनके नहीं पता. सो यू आर गेनिंग एवरी टाइम. सो इट्स इसलिए अप्लाई करते रहो, आते ही अपने लग जाओ उस चीज में. ओके लास्ट क्वेश्चन राजीव मेरा जो आपके लिए है वो है आई थिंक रिलेटेड टू स्किल्ड वर्कर वीजा नाउ. सो आई थिंक आर यू अवेयर कुछ ऐसी कंपनीज यूके में इफ यू नो लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप देती है आईटी, कुछ नाम बताओ. एंड या मीन्स इसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे देती हैं और गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है और गवर्नमेंट के अलावा एक और वेबसाइट है uktierssponsors.co.uk. आप लोग वहाँ पे जाके सर्च आउट कर सकते हो. वहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ ये है कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से यू कैन फिल्टर इट आउट कि भाई कौन सी इंडस्ट्री है और कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज हैं जो आपको टीयर टू से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं. सिमिलरली गवर्नमेंट की वेबसाइट है. अब अगर हम नेम की बात की जाएगी कौन सी कंपनीज है, देन जितनी भी MNCs हैं सारी, ये सारी की सारी कंपनीज हैं, जैसे कि बार्कलेज हो गया, नेटवेस्ट हो गया, लॉयड्स हो गया, ये सारे बैंक. क्योंकि हमारी अगर खुद की कंपनी में बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं टीयर टू की जॉब काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मैं और भी छोटी टीयर टू कंपनीज जो है वो भी मैं जानता हूँ जिनमें कि भाई टीयर टू स्पॉन्सरशिप मिलती है. लेकिन द बेस्ट यही है इसकी अप्रोच कि भाई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है या फिर जो मैंने अभी बताई है वेबसाइट, उस पर जाके आप यू कैन सर्च आउट एज पर योर फील्ड कि भाई आप IT से हो या फिर आप ऑटोमोटिव से हो या फिर आप डेटा साइंस इंडस्ट्री से हो या फिर आप फूड इंडस्ट्री से हो, और उसके बाद वो पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है कि भाई ये वाले कंपनीज जो है ये, और वहां पे उनका वेबसाइट एड्रेस भी है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, एंड देन यू कैन रीच आउट टू देम. सो दिस इज द एंड देन यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू कोल्ड ईमेलिंग. सो दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड अ स्पॉन्सरशिप जॉब. दिस इज व्हाट आई टेल टू द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम. कोल्ड ईमेलिंग इज अ वेरी गुड वे टू क्रैक a tier 2 job. And I think it's a skill you should have these days. It's a skill. Yeah. Cold emailing and networking. ये दोनों skills भी बहुत जरूरी हैं. क्योंकि इनके अलावा आज के time पे, क्योंकि social media इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है और सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा लोग हैं, प्रेजेंस है, सो और उसका फायदा बेनिफिट भी है. सोशल मीडिया दो है, एक तो आप रील्स को बस ऐसे ऐसे देखते रहो फ्लिप करके, और एक बेनिफिट ये है कि भाई यू नेटवर्क. सोशल मीडिया में लिंक्डइन भी आता है, लेकिन लिंक्डइन इज अ डिफरेंट sort of social media, right. And you can connect with a lot of professionals there. So yeah. I think do networking quite a lot and then improve on your skills. कि भाई अगर cold emailing करनी है तो किस तरह से करनी है, क्या लिखना है, क्या उसके अंदर content होना चाहिए. So these kind of things. The best part about the UK is the 1-year masters, which allows you to enter the job market quickly. And with the 2 years PSW and subsequent skill worker visa, the UK is ready to welcome international students on its shores. You can connect with our team for a free counseling session. The link is in the description box below. Studying in the UK is not always expensive. Here is a curated list of most affordable and top-ranking institutions in the country you may wish to consider, flashing on your screens right now.